बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ लियाकत साल एंड वेलकम टू न्यू वीडियो। तो अभी मैं ऑफिस से निकल रहा हूँ, छुट्टी का टाइम हो गया। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो जाना है, गाड़ी का ऑयल चेंज करवाना है, बिकॉज इसकी माइलेज बुरी होगी है। अगर ज़्यादा लेट करेंगे तो इसका जो इंजन है वो इफेक्ट होगा। और फिर घर जाना है, शवेज़ भी वेट कर रहा है काफ़ी टाइम से, और कॉल आई थी घर से कि शवेज़ जो है बहुत मिस कर रहा है आपको, तो घर पहुँचना है। और एक ख़ास बात यह है कि आज एक स्पेशल गेस्ट भी आने वाले हैं, वो भी आपको मिलवाएंगे इंशाल्लाह। तो वो सरप्राइज ही रहेगा, वो जब घर पहुंचेंगे तो आपको उनसे मिलवाएंगे। वो बड़ी दूर से आ रहे हैं और ख़ास मेहमान हैं हमारे। तो मैं चलता हूं, पहले तो गाड़ी का ऑयल चेंज करवाता हूं, फिर घर के लिए निकलता हूं। अभी मैं निकल चुका हूँ, जा रहा हूँ, रस्ते में हूँ, ऑयल चेंज स्टेशन पर जाना है, वहाँ पर ऑयल वगैरह चेंज करवाते हैं और फिर घर के लिए निकलते हैं। लाहौर में वैसे, और ये क्वालिटी वाइज में, और ये क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे हैं, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं अच्छी होती हैं क्वालिटी में। ऑयल गाड़ी का चेंज हो गया है और अभी मैं घर के लिए निकल रहा हूँ, तो जल्दी। तो फाइनली अभी मैं सारे काम वगैरह करके, गाड़ी का ऑयल वगैरह भी चेंज करवा लिया और बाकी कुछ जो काम थे वो करके अभी मैं घर पहुंच गया हूँ। ये मेरे हाथ में बैग है मेरा मुसाफिर वाला, तो ये बैग रखते हैं। और शवेज़ से मिलना है, शवेज़ काफ़ी टाइम से वेट कर रहा है और वो मुझे उसकी आवाज़ें भी आ रही हैं कि वो चीख रहा है, ज़ोर ज़ोर से पुकार रहा है कि आ जाओ आ जाओ। तो चले शवेज़ के पास। शवेज़ को मिलने से पहले हाथ धोने होंगे क्योंकि मैं बाहर से आया हूँ, तो हाथों पे इन्फेक्शन हो सकता है, कोरोना वाला इन्वायरमेंट है। तो मैं पहले हाथ धो लेता हूँ फिर शवेज़ से मिलता हूँ। मैं हाथ धो रहा हूँ। चले अब शवेज क्या कर रहा है भाई? ओहो अकेले? वाह, आप क्या कर रहे थे? अकेले हो गए थे? वाह जी, क्या हुआ, क्या हुआ था? शवेज आपने पोएम याद की अपनी? पोएम याद की? ओ आपने स्टोरी नहीं सुनानी थी? आपने स्टोरी भी सुनानी थी? ओहो, तो शवेज फाइनली मिल गया है मुझे। हाँ जी, शवेज से मुलाकात हो गई है। क्यों शवेज? हाँ, क्या कर रहे थे आप? दूध पी लिया आपने? दूध पिया आपने? हाँ जी, दूध पिया आपने? कौन सी आपने? शिजू बाबा, स्टोरी कौन सी याद की आपने? स्टोरी कौन सी याद की? स्टोरी याद होगी? और दूध पी लिया आपने? दूध कितना पिया? बहुत सारा पिया, वो कह रहा है मैंने बहुत सारा पी लिया, आप मेरे से कुछ ना पूछो, मुझे रेस्ट करने दो। आइए 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 आइए, उठ रहा है, उठो 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 उठो, थक गए हो? लेट लेट के थके नहीं? ओ यस, शैल वी स्टैंडिंग? वाह वाह वाह, जोर लगा के। सिजू पापा, कौन सी स्टोरी सुना रही हो? दूध पी लिया? हाँ जी, दूध पी लिया लगता आपने है? ओ,
अच्छा फील लिया इसका मतलब आपने से मिल लिया है शवेज नौ शवेज हैप्पी तो बाहर वो खेल रहा है लिविंग एरिया में तो मैंने अभी चेंज करना है चेंज करके फ्रेश होके तो मैंने बताया था जब मैं पार्किंग से निकल रहा था ऑफिस से तो आपको बताया था कि आज गेस्ट आने वाले हैं तो फाइनली वो गेस्ट जो है अब घर पहुंच चुके हैं वो शवेज से स्पेशल मिलने हैं लेकिन शवेज जो है इस टाइम सोया हुआ तो पहले आपको गेस्ट से मिलवाते हैं कि वो गेस्ट कौन है ये आपके लिए सरप्राइज है फाइनली ये वो गेस्ट हैं जी ये देखिए आपके सामने पकड़े गए ये जी मैं काफी टाइम का आया हूँ तो ये अब इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं नहीं नहीं ये शाम को आए थे शाम को लेट पहुंचे हैं तो इसी वजह से ना शवेज से भी नहीं मिल सके और शवेज सोया हुआ अच्छा बाकी बात बाद में पहले ये एसी बंद करे मुझे बहुत सर्दी लगी मैं ना गर्मी से आया हूँ तो ये सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही मेरे यहाँ भी बहुत गर्मी है यहाँ और भी बहुत गर्मी है आपकी गर्मी है ऐसे पंखा या एसी से आप बाहर निकले तो आपको फौरन पसीना आने लग जाएगा लाहौर की ट्रैफिक ठीक हो जाए ना तो लाहौर ठीक हो जाएगा लाहौर का यही तो मसला है लाहौर की ट्रैफिक ही नहीं खत्म होती इतनी ट्रैफिक है बस कहते ना फिर लाहौर है लाहौर की ट्रैफिक ही लाहौर लाहौर लेकिन पता नहीं हाँ मैं आया था ना जब पहली बार तो मैंने बात की कि मैं लाहौर पहुंच गया वो कहते हैं लाहौर नहीं है लाहौर लाहौर है ये कहते हैं लाहौर लाहौर है भाई लाहौर लाहौर वाले आज लाहौर वाले तो अब ये बातें तो चलती रहेंगी तो अभी खाने का टाइम हो गया तो सबसे पहले हम खाना खाते हैं क्योंकि ये भी सफर करके आए हैं तो सफर कैसा रहा आपका सफर तो जब तक गाड़ी में बंदा बैठता है ना बड़ा मजे का गुजरता है फिर गाड़ी में तो एसी चलता रहता है ना बंदा सुकून में रहता है जब निकलता है ना तो फिर पता चलता है क्या सी सूरत फिर असलियत पता चलता है कितनी गर्मी है इधर ना तो बातें चलती रहेंगे सबसे पहले खाने का टाइम हो गया अभी डिनर करते हैं डिनर के बाद फिर आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह खाना लग चुका है इसी तरह अगर हम बातें करते रहेंगे तो खाना ठंडा हो जाएगा खाना ठंडा हो जाएगा तो फिर खाने का मजा नहीं आएगा तो सबसे पहले हम खाना खा लेते हैं और फिर बाकी बातें बाद में होगी हम लोगों ने खाना खा लिया है और अब बारी है चाय की चाय थोड़ी देर तक बनेगी अभी नहीं है पहले शायद बनाते हुए मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन मैं आ जाऊँ तो चाय बन जाती है नहीं चाय मैं भी पीता हूँ ये चाय हम ना पिए तो हमारा जो है ना खाना पूरा नहीं होता तो अभी चाय बनेगी चाय पियेंगे आप लोग भी अगर चाय पीते हैं तो चाय एंजॉय कीजिए तो खुद बनानी है अब अगर हम नहीं आपको पिला सकते यहाँ से वसीम जो है शवेज से मिलने आया था स्पेशल और जो शवेज है वो सो गया टाइम पे सो गया वो अपने रूटीन के मुताबिक सो गया और ये लेट हो गया तो इसलिए ये शवेज से नहीं मिल सका वो अब सुबह उठेगा तो सुबह ही शवेज से उसकी मुलाकात होगी मैं 12 बजे निकलूंगा सुबह 4-5 बजे ऐसे मैंने कहा था कि जल्दी आ जा अगर मिलना है शवेज से तो जल्दी जल्दी आ जाओ शाम से पहले पहले आप मिल सकते हैं शवेज से अदरवाइज उसके पास टाइम नहीं होता मिलने का तो वो सोया हुआ हम बैठे हैं हम अभी चाय पियेंगे और चाय पी के फिर हम भी सोने की तैयारी करते हैं और इसी के साथ आज की वीडियो एंड करते हैं तो अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा मुझे और मेरे साथ वसीम को इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़